नमस्कार, मैं दुर्गाशंकर दुबे। पामिस्ट्री में यदि किसी जातक की एक्स्ट्रा फिंगर हो, यानी कि इन चार फिंगर के अलावा कोई अतिरिक्त रूप से उंगली हो या अतिरिक्त अंगूठा हो, तो ऐसे में उसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आज का ये वीडियो है। पामिस्ट्री के दृष्टिकोण से ऐसा जातक काफी तेज, चालाक और दूरदर्शी होता है। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा गुण ये होता है कि वो चीजों को भली भांति रूप से पहचानता है। यहाँ एक चीज देख लेनी बहुत जरूरी है, जैसे कि वो एक्स्ट्रा फिंगर है वो किस साइड में है। जैसे ये लिटिल फिंगर के साइड में है, तो उसमें ये लिटिल फिंगर है हमारा मरकरी माउंट को डिनोट करता है। तो ये मरकरी के जो गुण है, बुद्धिमत्ता है, कैलकुलेशन है, चीजों को एनालिसिस करने की क्षमता है, इन तमाम चीजों में मैथमेटिक्स है, इन तमाम चीजों में वो इंटेलिजेंट होता है। वहीं उसकी जो एक्स्ट्रा थंब है वो इस साइड में हो, कहीं से निकल रहा हो, तो ऐसे में उसके वीनस डोमिनेंट हो जाता है, यानी उसके अंदर कामुकता हो सकती है, कोई आर्टिस्ट क्वालिटी हो सकती है, और या वो चीजों में एक स्पेसिफिक रुझान रखता है। जिन चीजों में सौंदर्य या कलात्मक चीजें होती है उसमें उसका विशेष रुझान होता है। यदि इसको ओवरऑल समग्र रूप से देखा जाए, तो एक्स्ट्रा फिंगर का होना उस जातक के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लाता है, चालाकी के मामले में, मस्तिष्क की उर्वरता के मामले में, चीजों के पहचानने के मामले में, या किसी ने किसी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करके उससे स्वार्थ पूर्ति के मामले में। ऐसे व्यक्ति ये भी देखे जाते हैं कि वो बहुत आसानी से चीजों को ग्रैब करते हैं, यानी कि वो अपने मतलब की चीजों को रेत में से भी निकाल सकते हैं। रेत में से या बालू में से तेल निकालने की जो अद्भुत क्षमता होती है वो ऐसे लोगों के अंदर देखी जा सकती है। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वैल्यू ऐड की होगी। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।